मध्य प्रदेश के रीवा जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के उल्लंघन का मामला सामने आया है, जहां गरीब मजदूरों का हक छीनकर मनरेगा के तहत जेसीबी से काम कराया जा रहा है। हालांकि मामला संज्ञान में आने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एक तरफ जहां सरकार गरीब मजदूरों को उनके गाँव में ही मनरेगा के तहत काम देने की बड़ी बड़ी बात करती है, लेकिन हकीकत कुछ और है और मजदूरों को गाँव में काम नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि गरीब मजदूर काम की तलाश में लगातार शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। ताजा मामला रीवा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम करोजा का है, जहां मजदूर वर्ग के लोगों का हक छीना जा रहा है। सरपंच मनरेगा के अंतर्गत होने वाले काम जेसीबी से करा रहे हैं। जेसीबी से तालाब की खुदाई का काम कराया जा रहा है। जब मीडिया की टीम वहां पहुंची तो मीडिया का कैमरा देख जेसीबी लेकर चालक मौके से फरार हो गया। इस पूरे मामले पर रीवा जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय लक्ष्मी मरावी ने जांच कराकर कार्रवाई की बात कही है। ठीक है, जैसा भी होगा तो उसकी जांच करा लेंगे। क्या मानती है मैम, कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग के लोग भी ऐसे भ्रष्टाचारियों के कारण परेशान हो रहे हैं? बिना जांच कराए मैं कुछ भी नहीं कह सकती। जब तक मामला भी जैसे संज्ञान में आया है मीडिया के थ्रू, तो मैं जब जाँच कराऊंगी तभी कुछ बोल पाऊंगी इस बारे में। रीवा से अनुराग अग्निहोत्री की रिपोर्ट।